हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। और बस मैं ये रास्ते मैं में जा अम्मी रही थी, को अम्मी की डॉक्टर के तबीयत लेकर जा रही थी क्योंकि हम लोग 2 दिन पहले भी गए थे। आज 3 दिन हो चुके थे। अम्मी को डॉक्टर ने बुलाया था चेकअप के लिए। वो जो 3 दिन बाद होता है आँखों का चेकअप, तो वो कराने के लिए लेके जा रही थी मैं अम्मी को। रास्ते में तो रक्षा वाला बहुत स्लो स्लो चला रहा था क्योंकि अम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, इस वजह से। हम लोग 2 दिन पहले भी गए थे, 1 दिन पहले गए थे तो बंद हो चुका था हॉस्पिटल, तो फिर हम दोबारा आज गए थे। ये मेरी वीडियो आपको मिलेंगी ट्यूसडे वाले दिन, ये मंडे की बात है। तो बस हम लोग जा रहे थे, रास्ते में अम्मी से बातें बातें कर रही थी मैं अम्मी से बातें बातें करती भी जा रही थी ताकि वो नॉर्मल रहें, ब्लड प्रेशर वगैरह उनका कुछ ना हो। तो बस क्योंकि अम्मी का ब्लड प्रेशर ना हाई हो रहा है बहुत ज़्यादा ना, इस वजह से बस अम्मी को अब डॉक्टर के लेके जाऊंगी। फिर मैं वापसी में देखें क्या होता है। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने अम्मी के लिए दुआ की, मुझे मैसेज किए, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी अम्मी के लिए और दुआ करिएगा, अल्लाह ताला सही रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। मेरी आवाज़ भी काफ़ी बैठी बैठी हो रही है क्योंकि हो रहा है मुझे भी थकन। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था उस दिन और डॉक्टर भी लेट आए थे। हम लोग 6 बजे गए थे, 6:30 बजे हॉस्पिटल खुलना था तो खुला वही था, और डॉक्टर 8 बजे आए थे। हम लोग इतनी देर तक बैठे बैठे हम लोग थक गए थे, और बच्चे भी ना काफ़ी हो रहे थे, बोर हो रहे थे बच्चे भी। मैं बच्चों को साथ लेकर गई थी ट्यूशन से डायरेक्ट, तो बच्चे भी खेल खेल के वो भी थक गए थे। तो डॉक्टर खैर आ गए थे, डॉक्टर खैर आ गए थे, बच्चों की अपनी मस्तियाँ चले चले आ रही थी। हम लोग बस फिर मस्तियाँ कर रहे थे बच्चे, हम लोग अम्मी और मैं बातें बातें कर रहे थे। बहन भी साथ गई थी, अम्मी मैं और बहन गए थे बस, और मेरे बच्चे गए थे। हम लोग लेकर गए थे ना अम्मी को चेकअप कराने के लिए। ये बस यही हो। आठ बजे आए थे डॉक्टर, वेट करते करते हम लोग का खैर उन्होंने अम्मी को चेक करा अच्छी तरह। तो फिर मैं उनसे बात वगैरह कर रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा सही है सब कुछ, बस इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है जिसकी वजह से बस नींद पूरी होने का बोल रहे थे डॉक्टर। उन्होंने एक टैबलेट, एक ड्रॉप काट दी थी, उन्होंने मना कर दी थी एक ड्रॉप आप स्टॉप कर दें। फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा बुलाया था तो मुझे दवाइयाँ वगैरह समझा रहे थे कि ना ये सब करें, तो मैं बस सुन रही थी। और एक टैबलेट पढ़ा दी थी अम्मी की नींद की ताकि वो सोएं, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने टैबलेट्स डॉक्टर ने लिख कर दी थी कि सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आप नींद पूरी नहीं करेंगी तो आंखें आपकी कैसे सही होंगी। तो बस वो उन्होंने टैबलेट्स लिख कर दे दी थी अम्मी को रात को सोने की एक, और एक और टैबलेट दी थी ना बढ़ाई थी। तो ये दूसरे डॉक्टर आ गए थे, वो भी अम्मी को बोल रहे थे कि आपकी आँख बहुत अच्छी है, बनी है, सही है बिल्कुल, बस आप आराम करें, एहतियात करें, चश्मा लगा के रखिएगा, ग्लासेस वगैरह ब्लैक कलर के वो अम्मी लगाई नहीं थी, उन्होंने बोला जैसे आप और अंधेरे वगैरह में रहिएगा, ज़्यादा लापरवाही नहीं कर दिएगा। तो सॉरी वो आवाज़ वैसी हो रही है मेरी ना, तो उन्होंने बस यही बोला था अम्मी को, एहतियात वगैरह सब बोल रहे थे बस। फिर हम दिखा चुके थे तो डॉक्टर अम्मी का ब्लड प्रेशर वगैरह सब चेक वेक करा, बिल्कुल सही तरीके से अम्मी को देखा डॉक्टर ने। फिर हम लोग वापसी घर जा रहे थे तो काफ़ी रात हो गई थी डॉक्टर, क्योंकि हम 6 बजे के निकले हुए थे तो हम लोग को 8:30 हो गए थे घर आते आते, क्योंकि तो डॉक्टर ही देर से आए थे। तो बच्चे भी काफ़ी वो हो गए थे, थक गए थे मेरे बच्चे भी बैठे बैठे हॉस्पिटल में।
वो है, इतना प्राइवेट क्लिनिक तो है उनका, वो छोटा सा है तो वो बच्चे भी वो हो रहे थे, बाहर भी नहीं निकाल सकते थे, तो इस वजह से। चले मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।